आपका ये टोटल वर्क डन भाई, मैग्नेटिक फोर्स 0 निकाल लिया हमने, ठीक है। बट आपको अब बोर्ड में एक क्वेश्चन आता था, अब तो आपके नहीं आ सकता है क्योंकि आपका क्या है ऑब्जेक्टिव हो गया है पार्ट, ठीक है। नहीं तो ये डिराइव करने को ही बोलता था, प्रूव दैट ड्यूरिंग जनरेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज फॉलो। तो के कभी भी ये डेरिवेशन नहीं करना होता, तो गलत कर देगा, उसे क्या समझ आएगा क्या होगा, ठीक है ना। ये डेरिवेशन नहीं करना होता एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए स्टैंडर्ड 2-4 स्टेप थे वो फॉलो कर लेते हैं, ठीक है ना। जब आपसे ये पूछा जाता था कि प्रूव दैट ये जो आपका मोशनल ईएमएफ है दैट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कहीं एनर्जी का लॉस तो नहीं हो गया इसमें, तो नहीं होगा, एनर्जी का कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, तो फॉलो तो करना ही था, बट आपको ये प्रूव करना था। देखो कैसे प्रूव करते हैं इसको, कि मान लो आपका वायर पी क्यू है, दिस इज कैन फ्रीली मूव ऑन द फ्रेम ऑफ द वायर, पी क्यू इज मूविंग लेट से विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी। तो आपको ये बात अब क्लियर है कि आप कहो कि ऐसे फेंक दिया और ये अपने आप बी से मूव करता रहे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स लगा के आपको ये वेलोसिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। सबको ये बात आ रही है कि अभी सब रैंडम चल रहा है, बताइए सबको आ रही है बात समझ में। इस वायर को अगर आप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल एजेंसी का फोर्स की वजह से आप इसको पुल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एकदम प्रोजेक्ट कर दिया तो थोड़ी देर बाद तो ये रुक जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो वायर पी क्यू कैन मूव फ्रीली ऑन द फ्रेम ऑफ वायर, लेट पी क्यू इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। तो रेजिस्टेंसेज ऑफ पी एस आर एस आर क्यू आर नेग्लिजिबल, तो रेजिस्टेंस हमने इसी में रेजिस्टेंस मान लिया, लेट से इनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो इस पी क्यू वायर का स्मॉल आर है, तो बिल्कुल अगर ये कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वी से पुल करते हुए जा रहे हो तो इस तरह की बैटरी बन जाएगी बेटा। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और ये ईएमएफ, तो आप करंट लिख सकते हैं इसमें, बिल्कुल इस लूप में कितना करंट चलने लग जाएगा, बी वी एल अपॉन आर। तो ऐसे पहले कहानी बना देनी होती थी कि पी क्यू वायर को आप कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं तो इस तरह की बैटरी बन गई, इतना करंट चल रहा है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है टोटल, देखो आप नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाई पी क्यू कितना हो गया, नाउ फोर्स एक्सपीरियंस बाई पी क्यू ड्यू टू दिस करंट कितना होगा, आई एल बी, यही होगा कि नहीं। अरे आई करंट चलेगी, मैग्नेटिक फील्ड बी है, एल लेंथ का वायर है, तो कितना फोर्स लगेगा, 90 डिग्री पर आवर है, करंट ऐसे चल रही है, पी वैक्टर क्रॉस है, तो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आई एल बी फोर्स लगेगा, आई की वैल्यू उठा के रखो। तो ये वैसे इंडिविजुअली बहुत पूछा जाता है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतना आपका क्या है मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, तो आप चाहते हैं उसकी स्पीड कांस्टेंट रखें वायर की, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, इसी के बराबर लगाना, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वायर, सो पावर स्पेंड बाई द एक्सटर्नल एजेंसी इन मूविंग द वायर विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कितनी है, F डॉट बी, तो ये पावर स्पेंट है, ठीक है ना। एक्सटर्नल फोर्स पर सेकेंड इतना वर्क कर रहा है, अब क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स ये वर्क करता ही नहीं, तो ये सारा वर्क किसके बराबर हो जाना चाहिए, जितनी हीट जनरेट हो रही है। अगर ऐसा आ जाता है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल ट्रू हो जाएगा, कि आपका वर्क डन सारा किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड एज हीट कितना होगा सर्किट के अंदर, अगर स्मॉल आर रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर ही तो होगा, बताइए। अगर स्मॉल आर रेजिस्टेंस है तो आई स्क्वायर आर ही तो होगा, तो कर दो आप आई की वैल्यू रखते हैं, तो देखो क्या आएगा, वापस वही आ जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर, देखो दोनों पावर बराबर आ रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसे कांस्टेंट पुल जब आप कर रहे हैं तो नेट पावर सप्लाइड बाई एक्सटर्नल एजेंसी इज डायरेक्टली कमिंग आउट टू बी इक्वल टू पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट, ठीक है। तो इसका मतलब कहीं और कोई वर्क इन्वॉल्व नहीं है, तो ये भी यही बता रहा है कि नेट वर्क डन बाई मैग्नेटिक फोर्सेस 0, ठीक है। नहीं जैसे आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी की वर्क आता था, ठीक है ना, बैटरी का वर्क आता था और चेंज इन क्या आता था, वो चेंज हीट एनर्जी प्लस स्टोर्ड एनर्जी ये सब आता था, बट यहाँ पर जो बैटरी है वो नेट वर्क डन उसका 0, तो वो चीज पिक्चर में आई नहीं। तो जो एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया दैट इज कमिंग डायरेक्टली इक्वल टू हीट प्रोड्यूस इन द सर्किट, तो मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। कोई दिक्कत तो आपको छोटी छोटी बातें हैं इसमें, इस क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मेंटेन कर रहे हैं तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स की पावर सप्लाइड क्या होगी,
ठीक है ना, किस रेट से हीट प्रोड्यूस होगी, जितनी रेट से ये वर्क करेगा एक्सटर्नल एजेंसी, क्योंकि सारा की सारा हीट पे ही जा रहा है। ठीक है, तो ये बातें इसमें से पूछी जा सकती है। मैकेनिकल एनर्जी नीडेड टू मूव द वायर पी क्यू इज कन्वर्टेड इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड देन इंटू थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से वो एक्सटर्नल वर्क पहले तो इलेक्ट्रिक करंट में गया, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, फिर वो हीट एनर्जी में सारा कन्वर्ट हुआ। बताइए, कोई डाउट है क्या आपको इसमें पूरी प्रोसेस में कि कैसे ये प्रूफ होता है कि एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है? पहले बोर्ड में पूरा लिखना होता है, अब आपको ऐसे रटना नहीं है, आपको इसके पार्ट पता होने चाहिए बिल्कुल क्लियरली, कितने की बैटरी, कितना फोर्स, ठीक है, और पावर सप्लाई, कभी कोई पूछ ले आपसे एक्सटर्नल सोर्स की तो वो लिखनी आनी चाहिए। ठीक है ना, एक्सटर्नल सोर्स का जो आपका पावर फोर्स है इसके बराबर हो जाएगा ना बेटा, तभी तो कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन रहेगी, तो वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करोगे पावर है। ठीक है,